दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय नगर परिषद पांवटा साहिब। देवभूमि हिमाचल स्थित गुरु की नगरी पांवटा साहिब प्रखंड क्षेत्र के प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों गुरुद्वारों की रज जल एकत्रित कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या जी भेजा गया। यह नेक कार्य विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने किया। जानकारी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर के गर्भगृह के उपयोग हेतु पांवटा साहिब क्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिक पवित्र मंदिरों व गुरुद्वारों से एकत्रित की गई रज जल को भी विशेष स्थान दिया जाएगा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री सोलन दीपक भंडारी ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रदेश से भी सदस्य कार सेवा के लिए अयोध्या जाएंगे। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य और गर्व का दिन है कि श्री अयोध्या जी में जो श्री राम का भव्य मंदिर बनना है उसके लिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गुरु की नगरी पांवटा साहिब से आज हम सभी कार्यकर्ता और सहयोगी बंधु माँ यमुना जी के तट पर, जहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने जीवन के लगभग 4.5 वर्ष बिताए और यहाँ पर कई ऐसे कार्य धर्म युद्ध किए जिससे आज भी इस क्षेत्र का जर्रा जर्रा प्रभावित है और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ मिलते हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्भगृह श्री राम मंदिर का जो अयोध्या जी में बनने जा रहा है उसके लिए क्षेत्र के प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर एवं गुरुद्वारों का जो हमने रज माटी और जल लिया है वह आज हम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी भेज रहे हैं, जिसको श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में लगाया जाएगा। और यही हमारा दिल से रहेगा कि हम सभी कार्यकर्ता जब लॉकडाउन हटेगा तो वहां कार सेवा के लिए भी तन मन धन से जाएंगे। जय श्री राम। नगर परिषद पांवटा साहिब की प्रबुद्ध जनता से अपील करती है कि कोरोना वायरस COVID-19 को लेकर सरकार व प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। नगर परिषद पांवटा साहिब द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है व शहर को 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से मास्क, सैनिटाइजर व प्रवासी मजदूरों को राशन भी आवंटित किया गया है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारियों को इस महामारी के दौरान बेहतरीन कार्य करने को 2 बार 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके साथ साथ नगर परिषद द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 को लेकर सोशल मीडिया, समाचार पत्रों व होल्डिंग्स लगाकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को प्रचारित व प्रसारित किया गया है। नगर परिषद पांवटा साहिब की ओर से COVID-19 के लिए पुरजोर कार्य किया गया है, जिसमें हमने पूरे शहर को 3 से 4 बार सैनिटाइज किया गया है। इसमें हमने फायर वालों का भी सेवाएं दी हैं और साथ साथ हमारे जो कर्मचारी हैं वो दिन रात इस पे लगे रहे और अभी भी लगे हुए हैं, मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और हमने जो है कर्मचारियों को प्रोत्साहन के तौर पर 1500 रुपया 2 महीने का 1500 रुपया एक प्रोत्साहन राशि भी हमने उन्हें उपलब्ध कराए हैं ताकि उनका साहस बना रहे। और इसके साथ साथ हम मैं आपके माध्यम से नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं उसका अनुपालन सारा अक्षरशः करें ताकि हम इस महामारी से बचे रह सकें और किसी भी तरह का उल्लंघन करने की हिम्मत ना करें, क्योंकि ये बीमारी अदृश्य दुश्मन है जो कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी अटैक कर सकता है। सावधानी बरतें और स्वच्छ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। नगर परिषद पांवटा साहिब द्वारा जनहित में जारी